हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे में से मैक्सिमम नंबर पॉइंटर की मदद से कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक एरे एज वेल एज एक पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर ए ऑफ 5 एंड स्टार पी। उसके बाद मैं CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे जो हमने एरे डिक्लेयर किया है वो हमें यूजर के पास से लेना है, तो उसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे %d एड्रेस ऑफ A0, जो हमें एरे का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। एरे का सेकेंड एलिमेंट रीड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ A1। थर्ड एलिमेंट रीड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ A2। फोर्थ एलिमेंट रीड करने के लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ A3। एंड फिफ्थ एलिमेंट रीड करने के लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ A4। अभी ये सारे स्कैनफ स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ A कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे एलिमेंट्स की पोजिशन के अंदर हो रहा है। यानी कि यही टास्क हम एक सिंगल लूप की मदद से भी कर सकते हैं। तो लेट अस से मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेता हूँ, और उस फॉर लूप के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ i = 0, i < 5 और i++। और फॉर लूप के अंदर मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i। यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम हमें a ऑफ 0 की, सेकेंड टाइम a ऑफ 1 की, थर्ड टाइम a ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 की, और फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अब स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ %d, और %d की जो भी वैल्यू है वो हम i से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटएफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम एंटर a ऑफ 0, सेकेंड टाइम एंटर a ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर a ऑफ 2, फोर्थ टाइम एंटर a ऑफ 3 और फिफ्थ टाइम एंटर a ऑफ 4 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी वेरिएबल के साथ तीन चीजें एसोसिएट होती है, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल की वैल्यू और वेरिएबल का एड्रेस। अभी यही सारी चीज हम एरे एलिमेंट्स के लिए लिखते हैं। तो सबसे पहला हमारा एरे का एलिमेंट है A0, उसके बाद A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3 और उसके बाद A4। लेट अस से हम उसकी वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं 23, 12, 45, 34 एंड 56, और किसी भी वेरिएबल का एड्रेस सी कंपाइलर खुद डिसाइड करता है, यानी कि उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। सो लेट अस से हम ऐसा सोच लेते हैं कि A0 का एड्रेस XYZ है, यानी कि A1 का एड्रेस XYZ+2 होगा, क्योंकि एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक एरे के सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूस लोकेशन पे स्टोर होते हैं, और यहाँ पे हमारा एरे इंटीजर टाइप का है और इंटीजर वेरिएबल का स्टोरेज 2 byte का होता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा इंटीजर एरे है उसका पहला एलिमेंट अगर XYZ लोकेशन पे है तो सेकेंड एलिमेंट XYZ+2 लोकेशन पे ही होगा, थर्ड एलिमेंट XYZ+4 लोकेशन पे होगा, फोर्थ एलिमेंट XYZ+6 लोकेशन पे होगा, और फिफ्थ एलिमेंट XYZ+8 लोकेशन पे होगा। अभी पॉइंटर की डेफिनेशन के मुताबिक पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल p है, और उसके अलावा हमारे पास एरे है, यानी कि हम एरे के कोई भी एलिमेंट का एड्रेस उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो लेट अस से हम ऐसा लिख देते हैं कि p = एड्रेस ऑफ A0, यानी कि p के अंदर A0 का एड्रेस स्टोर है, यानी सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि p की वैल्यू XYZ है। तो अभी हमारा पॉइंटर वेरिएबल p है, उसकी वैल्यू XYZ है, और लेट अस से वो ABC लोकेशन पे स्टोर है। अभी यहाँ पे हम सोच लेते हैं कि हमारे मैक्सिमम नंबर की वैल्यू A0 के बराबर है, यानी कि हमने ऐसा सोचा कि A0 हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, और फिर हम मैक्सिमम की कंपैरिजन बाकी के सारे एरे एलिमेंट के साथ करेंगे, और कोई भी एलिमेंट की वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू से ज्यादा आए तो हम मैक्सिमम की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम की वैल्यू 23 होगी, क्योंकि A0 की वैल्यू 23 है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि A0 की वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू से ज्यादा है, जो कि इस केस में गलत होगा, यानी कि अभी भी हमारी मैक्सिमम की वैल्यू 23 ही रहेगी। उसके बाद हम चेक करते हैं कि A1 की वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू से ज्यादा है,
जो कि गलत है, यानी कि अभी भी हमारी मैक्सिमम की वैल्यू एज इट इज रहेगी। उसके बाद हम चेक करते हैं कि a ऑफ 2 की वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू से ज्यादा है, जो कि इस केस में सही है, यानी कि हमने जो मैक्सिमम की वैल्यू एज्यूम की थी वो गलत है, और अब हम मैक्सिमम की वैल्यू को a ऑफ 2 की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि अब हमारी मैक्सिमम की वैल्यू 45 हो जाएगी। उसके बाद हम चेक करते हैं कि a ऑफ 3 की वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू से ज्यादा है, जो कि इस केस में गलत होगा, यानी कि अभी भी हमारी मैक्सिमम की वैल्यू 45 ही रहेगी। उसके बाद हम चेक करेंगे कि a ऑफ 4 की वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू से ज्यादा है, जो कि सही है, यानी कि हम मैक्सिमम की वैल्यू को a ऑफ 4 की वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, यानी कि इस केस में अब मैक्सिमम की वैल्यू 56 हो जाएगी। अभी हमने सभी एलिमेंट्स को चेक कर लिया और हमें मैक्सिमम की वैल्यू 56 मिली, तो हम उसको प्रिंट करवा देंगे। यानी कि अगर यही लॉजिक को हम कोड के अंदर कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम की वैल्यू के अंदर a ऑफ 0 की वैल्यू स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम एक लूप लिखेंगे, जिस लूप के अंदर हम मैसेज देंगे कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस, और फिर लूप के अंदर हम एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिस इफ स्टेटमेंट के अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे पास a ऑफ i की जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम से ज्यादा है तो हमें मैक्सिमम की वैल्यू को a ऑफ i की वैल्यू से रिप्लेस कर देना है, और अगर वो नहीं है तो हमें कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं करना। और लूप के बाहर हम सिंपल एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखेंगे, उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे कि मैक्सिमम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी की जो भी वैल्यू है वो हम मैक्सिमम से रिप्लेस कर देंगे। अभी लूप के अंदर हमने i एंड max नाम के दो वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो सबसे पहले हम दोनों वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज इंटीजर max। अभी ये जो पूरा कोड हमने लिखा है वो हमने एरे की मदद से लिखा है, लेकिन हमें एरे की जगह पे पॉइंटर का यूज करना है, यानी कि हमें एरे और पॉइंटर के बीच में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है कि p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a0, यानी कि p के अंदर a0 का एड्रेस स्टोर है, यानी कि हम एड्रेस ऑफ a0 की जगह पे p लिख सकते हैं। सेम वे अगर हम स्टार p लिखे तो उसका मीनिंग कि p को हमने डीरेफरेंस किया है, यानी कि p नाम का वेरिएबल हमारा एड्रेस के तौर पर ट्रीट होगा और उस एड्रेस में पड़ी हुई वैल्यू हमें मिलेगी, यानी कि स्टार p हमें 23 देगा, और 23 और कुछ नहीं लेकिन a ऑफ 0 की वैल्यू है। अभी हम सिंपली ऐसा लिखे कि p प्लस 1, यानी कि अल्टीमेटली हम एक्स वाई जेड के अंदर 1 ऐड करना चाहते हैं, और यहाँ पे p हमारा इंटीजर पॉइंटर है, यानी कि जब हम एक्स वाई जेड के अंदर 1 ऐड करेंगे तो वो अल्टीमेटली हमें 2 ऐड करके देगा, यानी कि जब हम p प्लस 1 को एक्सेस करने जाए तो वो एक्स वाई जेड प्लस 2 आउटपुट के तौर पे देगा, और एक्स वाई जेड प्लस 2 और कुछ नहीं है लेकिन एड्रेस ऑफ ए1 है, यानी कि हम स्टार p प्लस 1 एक्सेस करना चाहे तो वो और कुछ नहीं है लेकिन a ऑफ 1 की वैल्यू है। उसके बाद हम p प्लस 2 करना चाहे, यानी कि हम यहाँ पे और कुछ नहीं करते लेकिन एक्स वाई जेड के अंदर 2 ऐड करते हैं, और p हमारा इंटीजर पॉइंटर है, और जब भी हम इंटीजर पॉइंटर के ऊपर कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो 2 के मल्टीपल में होता है, यानी कि यहाँ पे हम अल्टीमेटली एक्स वाई जेड प्लस 4 को एक्सेस करेंगे, और एक्स वाई जेड प्लस 4 और कुछ नहीं है लेकिन एड्रेस ऑफ a ऑफ 2 है, यानी कि हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार p प्लस 2 हमें a ऑफ 2 की वैल्यू देगा। सो हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि p प्लस i और कुछ नहीं है लेकिन एड्रेस ऑफ a ऑफ i है। सेम वे स्टार p प्लस i और कुछ नहीं है लेकिन a ऑफ i है, यानी कि एड्रेस ऑफ a ऑफ i को हम p प्लस i से रिप्लेस कर देते हैं और a ऑफ i को हम स्टार p प्लस i से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऊपर वाले लूप के अंदर मैं एड्रेस ऑफ a ऑफ i की जगह पे p प्लस i लिख देता हूं, और नीचे फॉर लूप के अंदर जहां पे हमने a ऑफ i को एक्सेस करना चाहा वहां पे मैं स्टार p प्लस i लिख देता हूं, और मैक्सिमम इज इक्वल्स टू a ऑफ 0 हमने एज्यूम किया उसकी जगह पे मैं सिंपली लिख देता हूं कि स्टार p प्लस 0। अभी ऊपर के लूप के अंदर हमने पॉइंटर वेरिएबल को लिखा है, लेकिन पॉइंटर और एरे के बीच वाला जो ब्रिज हमने क्रिएट किया है वो नीचे क्रिएट किया है, यानी कि ऊपर हमारे p के अंदर गार्बेज वैल्यू होगी, यानी कि जो भी स्टोरेज होगा वो गार्बेज लोकेशन पे होगा जो हमें नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये पूरे स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कट करके ऊपर ले लेता हूं।
अभी यहाँ पे हमारा सारा टास्क हो चुका है, तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 23, a ऑफ 1 की वैल्यू 12, a ऑफ 2 की वैल्यू 45, a ऑफ 3 की वैल्यू 34 और a ऑफ 4 की वैल्यू 56 इंसर्ट कर रहा हूँ, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है मैक्सिमम इज इक्वल टू 56, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 5 साइज के एरे में से मैक्सिमम नंबर पॉइंटर की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अगर यही टास्क हमें 10 नंबर के एरे के लिए करना हो, तो हम सबसे पहले डिक्लेरेशन के अंदर इंटीजर a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 कर देंगे, लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 कर देंगे, और नीचे वाले लूप के अंदर भी i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 कर देंगे। यानी कि टोटल 3 जगह पे चेंज करने के बाद हम 10 नंबर के एरे में से मैक्सिमम नंबर पॉइंटर की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर ये तीनों जगह में से हम एक भी जगह पे चेंज करना भूल जाए, तो हमें हमारा आउटपुट गलत मिल सकता है। सो इसी वजह से हम ऊपर एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से हैश डिफाइन एन और फिर 10, और जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है वहां पे हम n लिख देते हैं। यानी कि डिक्लेरेशन के तौर पे a ऑफ 10 की जगह पे a ऑफ n, लूप के अंदर i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n, और नीचे वाले लूप के अंदर भी i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n। यानी कि सिर्फ ऊपर एक जगह पे हम n की वैल्यू चेंज करेंगे तो पूरे प्रोग्राम के अंदर n की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सो अभी इसी चीज को हम चेक कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं प्रोग्राम को सेव कर देता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 23, a ऑफ 1 की वैल्यू 123, a ऑफ 2 की वैल्यू 34, a ऑफ 3 की वैल्यू 56, a ऑफ 4 की वैल्यू 1, a ऑफ 5 की वैल्यू 90, a ऑफ 6 की वैल्यू 23, a ऑफ 7 की वैल्यू 56, a ऑफ 8 की वैल्यू 12 और a ऑफ 9 की वैल्यू 89 इंसर्ट कर रहा हूँ, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 123, जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो हमने एरे लिया है उसको हमने मैन्युअली टेस्ट नहीं किया, पर आप खुद उसको मैन्युअली टेस्ट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे में से पॉइंटर की मदद से मैक्सिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।